of life. Flower of life, seed of life, tree of life. ये तीन ऐसे सिंबल्स हैं जो फ्लावर ऑफ लाइफ है. इट हैज कम फ्रॉम सीड ऑफ लाइफ. सीड ऑफ लाइफ में क्या होता है, कितने सर्कल्स होते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन सर्कल्स. सीड ऑफ लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन सर्कल्स. ठीक है, सेवन सर्कल्स को अगर हम इंटर ट्विन करते हैं, उनको इंटरलॉक करते हैं, तो सीड ऑफ लाइफ आता है. सीड ऑफ लाइफ को फिर हम अगेन कुछ पैटर्न उनके अराउंड सर्कल्स के बनाते हैं, तो वो और ग्रो करता है. आप समझ लीजिए कि सीड ग्रो कर रहा है, तो इट टेक्स अ पैटर्न ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ. इसका मतलब जो हमारी पूरी लाइफ, हमारी जिंदगी, जो हमारे डीएनए सिस्टम है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ सीड ऑफ लाइफ एंड ग्रोइंग इन टू फ्लावर ऑफ लाइफ. किसी भी चीज को अगर आपको सस्टेन करना है, ग्रो करना है, ब्यूटिफुली ग्रो करना है, तो दिस इज दैट ज्योमेट्रिक पैटर्न विच यू विल यूज. अब फ्लावर ऑफ लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 19 सर्कल्स. आप खुद भी बना सकते हैं, बड़े बड़े पेंटर्स को बनाते हैं, बड़े बड़े लोग जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, दे मेडिटेट ऑन फ्लावर ऑफ लाइफ. इफ यू मेडिटेट ऑन फ्लावर ऑफ लाइफ एंड यू केयरफुली वॉच दिस सिंबल, तो यू विल सी देयर आर जो इसके अंदर हमने देखा था, जो आई सिंबल है ना, आई सिंबल कितने सारे हैं इसके अंदर, पेटल्स जो है, पेटल्स टाइप, तो दे आर मूविंग इन सर्टेन पैटर्न, डायगनल पैटर्न, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल पैटर्न, राइट, वर्टिकल पैटर्न. आप इसके अंदर देखेंगे कितने सारे पैटर्न, तो एनर्जी इज मूविंग इन टू पैटर्न. ये बीच में, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम. मैम आपने कहा मेडिटेट ऑन फ्लावर ऑफ लाइफ, तो क्या आपका मतलब है कि उस जिस रूम में हम मेडिटेट करें उसकी वॉल पे इसका डायग्राम हो या मैट हो? बिल्कुल मैम, यू हैव टू लुक इन टू द फ्लावर ऑफ लाइफ. आपको इसको वॉच करते रहना है, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर. उसके सेंटर में से आपको अपने आप डायरेक्ट होगा कि कहाँ उसकी लाइट ना बाहर फैले, मतलब ग्रो करे जा रही है बीच में से. यू जस्ट वॉच द मूवमेंट, आपको अपने आप सारे पैटर्न्स नजर आएंगे कहाँ कहाँ. फिर उसके बाद क्या होता है, इससे ना आपके अंदर की इनसाइड जो हमारा पैटर्न, बिकॉज ये आप अभी एक्सटर्नली देख रहे हैं पैटर्न, बिकॉज वी आर ऑल्सो ग्रोइंग इन दिस पैटर्न, तो आप उसको ना रिलेट, सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिल्कुल रिलेट कर लेता है. तो आपकी जो लाइफ में ब्लॉकेजेस है, कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ फ्लावर ऑफ लाइफ के पैटर्न पे मूव कर रही है, तो जो ब्लॉकेज है आप बाहर से उसको एक डायरेक्शन दे रही है कि ऐसे मूवमेंट हो रही है, आपकी लाइफ की ब्लॉकेज खुल के ना वो मूवमेंट आ जाती है. ठीक है, मेडिटेट ऑन फ्लावर ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस खुलेंगी. यू विल कम टू नो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी एंड यू विल ग्रो फर्दर. आपका असेशन होगा मैम. इसमें ये जैसे आपने पिक्चर दी है, यही कलर की करना चाहिए, हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं? इंटरनेट पे ना देयर होल लॉट ऑफ पिक्चर्स, यू कैन गो थ्रू एनी पिक्चर. ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो ये मैंने आपको दे दी. मैंने एक ऐसा कोर्स भी किया था, अगर मुझे मिला तो, एक्चुअली फ्लावर ऑफ लाइफ का अलग से ही कोर्स होता है, मैंने वो किया था. उसके अंदर जो हमारे टीचर थे उन्होंने पेंटिंग्स, वो खुद पेंट करते थे, ही वॉज द पेंटर. और उनको मैं उनकी स्टोरी बताती हूँ. He also meditated on flower of life and one day unko itna zyada insights mile ki he was never a painter and he was never a musician. Unhone kabhi nahi seekha. The next day he could play each and every instrument and he could paint even. When he has never painted, he never knew ki what is how to paint and how to play any instrument. Kyunki flower of life pe meditate karne ke baad jo hamari natural instincts hai, जो भगवान ने नेचुरली हमारे अंदर दी है पावर्स, वो जागृत हो जाती है. लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमन मैनुअल सिस्टम, आपका जो मैनुअल सिस्टम है ना ह्यूमन का, वो ओपन हो जाता है अपने आप. बिकॉज ये जो डायरेक्शंस है ना, नेचर ने अपना आप दी है. हम लोगों ने अपने अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस लिया है. वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस. हम सोचते हैं कि व्हाट इज द राइट पाथ, करेक्ट पाथ. फ्लावर ऑफ लाइफ एक ऐसा सिंबल है कि दिस इज द करेक्ट एंड द राइट पाथ गिवन बाय द यूनिवर्स टू अस. इफ वी मेडिटेट ऑन इट, हम उसको रिलेट करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, और जो हमारी असेशन लिखी है हमारा जो लाइफ, क्योंकि हर चीज ना हमारी, हम कहते हैं ना डीएनए में हमारे सारे लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो ये जो रिकॉर्ड्स है ना, फ्लावर ऑफ लाइफ एक आप समझिए छोटी चिप है. दिस इज द स्मॉलेस्ट चिप, और हमारे सारे जो डाटा है इसके अंदर है.
ठीक है, तो वो जो ब्लॉकेजेस करी वो सबको इसके अंदर है. व्हेन यू मेडिटेट ऑन इट, तो हम इस चिप के अंदर जाके जो रिलेट करते हैं अपने ओरिजिनल चिप से, एंड वी अनब्लॉक इट, वी ग्रो. अनब्लॉक तो छोड़िए, अनब्लॉक तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है. वी ग्रो इन नेचर, जो यूनिवर्स ने हमारे लिए ये पाथ एज अ ह्यूमन हमें जो इस अर्थ पे भेजा है और इतनी सारी पावर्स के साथ भेजा है, वो सारी पावर्स आपकी अनलॉक होती है. आप जिस पर्पस के लिए इस धरती पे आए हैं वो पर्पस आपको पता चलता है, एंड यू रियली लिव दैट पर्पस. कहना आसान है कि प्लीज मेडिटेट ऑन फ्लावर ऑफ लाइफ. मैंने ट्राई किया, मे बी आई एम नॉट डेस्टाइंड टू यू नो गेट इट्स बेनिफिट राइट नाउ, लेकिन आई हैव सीन पीपल हु गॉट मिरेकुलस बेनिफिट. मेरे को अभी नहीं मिला बिकॉज मैं इतना हार्डवर्क नहीं कर पा रही हूँ, मैंने इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया. मैम एक बार फिर से बताइए कैसे मेडिटेट करना है इस पे. देखिए आप इसके ऊपर, इसका जो सेंटर है, सबसे पहले इसके ऊपर अपना ध्यान रखना है, ठीक है. कीप ऑन वॉचिंग इट विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज. ओके, आप अपने आप ऑटोमेटिकली ना, यू विल योर अटेंशन विल बी डाइवर्टेड टू इट्स ग्रोथ सेंटर से ना, ये कैसे ब्लूम कर रहा है, इसके पैटर्न ऊपर नीचे क्रिस क्रॉस में कैसे इसके पैटर्न के पैटर्न कहाँ चल रहे हैं, कैसे कैसे, यू कीप ऑन लुकिंग एट दैट. जब क्योंकि आप एक्सटर्नली इस पैटर्न को देख रहे हो, जो इंटरनली ऑलरेडी सबकॉन्शियस लेवल पे, क्या छोड़ो आपके जेनेटिक लेवल पे भी आप इसी पैटर्न से ग्रो कर रहे हो. मैम अगर मैं अभी इसको किसी को भी बोलेंगे ना, अभी फ्यू सेकंड भी देखो ना, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिख रहे हैं उसके अंदर. बिकॉज देखिए अभी मैंने जरा से आपको बताया कि आपको पैटर्न दिखेंगे, तो आपका माइंड एकदम से रिलेट करने लग गया, राइट. यू कैन सी द पैटर्न्स. अब आप इसको आप देखते रहेंगे ना, इट विल गाइड यू टू समवेयर. आपके अंदर आपका जो ओरिजिनल पैटर्न ऑफ ग्रोइंग है ना, वो अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम, प्लीज डू इट अगर आपके पास टाइम मिलता है. ये इतनी मिरेकुलस चीजें हैं कि वन शुड, व्हेन वन प्रैक्टिस इट, दे रियली गेट द रिजल्ट हैंड बाय हैंड. अगर देखिए अभी आई डोंट नो वेयर माय गुरु इज, जहां से मैंने ये फ्लावर ऑफ लाइफ का कोर्स किया था, इट वाज 2 मंथ्स कोर्स. उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था, आधा मेरे पल्ले पड़ा था, आधा मेरे नहीं पड़ा था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा असेंडेड मास्टर है, बहुत ज्यादा असेंडेड मास्टर है. मैं इतनी असेंडेड मे बी सोल नहीं हूँ, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, और मेरी शायद ब्लॉकेजेस होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे बहुत कुछ समझ आया था. मेरी इतनी कमी रह गई थी क्योंकि मैं इसके ऊपर मेडिटेट आज भी नहीं कर पाती, क्योंकि हो सकता है अभी आई एम नॉट डेस्टाइंड फॉर दैट. वो टाइम अगर आएगा तो आई विल डेफिनेटली डू इट. और हाँ, उनकी पेंटिंग्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं उनकी. एंड उन्होंने कभी नहीं सीखा था हाउ टू ड्रॉ श्री यंत्र, तो आप उनकी पेंटिंग्स देखेंगे ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उनके हैंड मूव करते हैं, उन्होंने सारे यंत्र की पेंटिंग्स बना रखी है, राइट. तो आपके अंदर जो सारी क्षमताएं है ना, वो ओपन हो जाएंगी. आपको आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, यू आर योर सेल्फ टीचर, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड यू. अगर आप यूनिवर्स के एक चैनल से कनेक्टेड है, किसी को जो चीज आती है वो आपको आ जाएगी, ठीक है. सारी नॉलेज आएगी बिकॉज यू आर डिस्टाइंड टू हैव ऑल द नॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्स. आपको सारी विद्या अपने आप आएंगी. तो प्लीज अगर आप कर सकते हैं, इफ यू कैन डिवोट सम ऑफ योर टाइम टू दिस, प्लीज मेडिटेट, डू मेडिटेट. अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं सनफ्लावर, अगर हम देखते हैं उसके अंदर का कोड देखते हैं, यू कैन सी फ्लावर ऑफ लाइफ पैटर्न. बीज को तो किसी ने नहीं कहा ना, उसके डीएनए में होता है. ऐसे ही आप ये देखेंगे नीचे, एक अ टाइप ऑफ प्लांट और अ ग्रास, इट्स ग्रोइंग इन अ पैटर्न ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ, ठीक है.